दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं राजगीर शहर के बारे में। राजगीर भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जिसके बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। दोस्तों, पटना से 100 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा राजगीर न केवल एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है, बल्कि एक सुंदर हेल्थ रिसोर्ट के रूप में भी लोकप्रिय है। यहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म के धार्मिक स्थल हैं। खासकर बौद्ध धर्म से इसका बहुत प्राचीन संबंध है। बुद्ध न केवल कई वर्षों तक यहाँ ठहरे थे, बल्कि कई महत्वपूर्ण उपदेश भी यहाँ की धरती पर दिए थे। बुद्ध के उपदेशों को यही लिपिबद्ध किया गया था और पहली बौद्ध संगीति भी यही हुई थी। दोस्तों, राजगीर की पहचान मेले के नगर के रूप में भी है। इनमें सबसे प्रसिद्ध मकर और मलमास मेले के हैं। शास्त्रों में मलमास 13वें मास के रूप में वर्णित है। सनातन मत की ज्योतिषीय गणना के अनुसार 3 वर्ष में 1 वर्ष 366 दिन का होता है। दोस्तों, राजगीर के मलमास मेले को नालंदा ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में आयोजित मेले में सबसे बड़ा कहा जाता है। इस मेले को लोग पूरे साल इंतजार करते हैं। कुछ साल पहले तक यह मेला ठेठ देहाती हुआ करता था, पर अब मेले में तीर्थयात्रियों के मनोरंजन के लिए तरह तरह के झूले, सर्कस आदि भी लगे होते हैं। युवाओं की सबसे ज़्यादा भीड़ थिएटर में होती है, जहां नर्तकियां अपनी मनमोहक अदाओं से दर्शक का मनोरंजन कराती है। दोस्तों, राजगीर में कई पर्यटन स्थल भी देखने को मिलेगा। नेचर सफारी राजगीर। राजगीर प्राकृतिक संदर्भ से परिपूर्ण अंचल है। यहाँ के नेचर सफारी में पर्यटक देश के मौर्य दर्शन के साथ साथ विदेश जैसा नज़ारा भी देख सकते हैं। यह एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है। यहीं पर पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास का स्कोबाई ब्रिज, यानी संपूर्ण रूप से शीशे से निर्मित ब्रिज का आनंद लिया जा सकता है, जो चीन के हांगकांग इलाके में निर्मित 120 मीटर ऊंचाई पर बने ग्लास ब्रिज के तर्ज पर बनाया गया है। चूंकि ग्लास स्काई वॉक पूर्ण रूप से शीशे से निर्मित है, इसलिए इसके निर्माण के दौरान विशेष सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। दोस्तों, आपको बता दें, गिलास ब्रिज का प्रति व्यक्ति टिकट 125 रुपया है। यहाँ एक सस्पेंशन ब्रिज का भी निर्माण किया गया है। राजगीर कुंड। यह एक गर्म पानी का कुंड है, जहाँ हर वर्ष मकर संक्रांति के दौरान स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रह जाता है। साथ ही सर्दियों में इस कुंड का आनंद ही कुछ और है। इस राजगीर कुंड में गर्म पानी के कुल 22 कुंड और 52 धाराएं हैं, जिसका नाम अलग अलग ऋषि, मुनियों और नदियों के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।